माता मासी चटकली। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं एकदम। देखो एवा अपना खाना लेके आइए। मैंने आज चिली चॉकलेट फलाफल विद पीटा गनूश बनाया है। फ्लेवर्स वेरी क्रिएटिव, सूरत बहुत ही बढ़िया है। आपने जो पीटा ब्रेड बनाया है वो थोड़ी कच्ची बनी है। तो आपको पता है? यस सर। नेक्स्ट टाइम ध्यान दोगे? और यस सर। पक्का? यस सर। गुड शेफ, थैंक यू। इसके अंदर चिकन का जबरदस्त फ्लेवर, साथ में दही की ठंडक और मिर्ची की आग। थोड़ा सा तीखा आप कम करते तो और अच्छा होता, राइट? एक बात तो माननी पड़ेगी कि आपने सिर्फ करेले का स्वाद ही नहीं बदल दिया, उसकी शक्ल भी बदल दी आपने। मैंने आज बनाया है रावियोली वह देसी तड़का, जिसमें मैंने रावियोली बनाई है। उसमें मैंने हंकर्ड और स्पिनच की स्टफिंग की है, इसके साथ इंटरनेशनल कड़ी है। कड़ी में सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? बेसन का ग्रीनी रहना, ज्यादा हो गया बेसन। बिल्कुल सही, लड़की बहुत टैलेंटेड है, सारे आंसर मालूम है। रावियोली का जो डननेस होता है, एक उसमें बाइट होनी चाहिए जो आपके रावियोली में है। दही का फ्लेवर सटल है और रावियोली का भी ओवरमास्किंग नहीं है। आपने जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया है, बढ़िया। क्या आप खुश हो 100%? यस शेफ। और यस शेफ में ठंडा ठंडा लग रहा है कुछ? यस शेफ। गुड, थैंक यू। आपकी डिश का नाम? कोकम के साथ दही के कबाब, करारी मछली के साथ स्ट्रॉबेरी लस्सी। मैं आपका खाना क्यों चखूं? आपको चखना पड़ेगा। लो जी, मैं नहीं चखता। चखना पड़ेगा। मैं नहीं चखूंगा। चखना पड़ेगा। मैं जब छोटा था ना, मेरी मम्मी यही बोलती थी। क्या चीज? कि तुम्हें खाना पड़ेगा। आप खाते थे? मैं कहता था नहीं। मैं खिलाऊं? कोशिश कर सकते हो। आती। मेरी मम्मी भी यही करती थी। कोशिश ना, कोशिश में खिला कर यही बोलती थी वो भी। आप हमारी मदद मांग लें, हम जबरदस्ती करेंगे। हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो जी, चलो।